करने के लिए भेज रहा तो माँ बाप को जेल में ठोक देते हैं। यहाँ भारतीय लोगों को बहकाने के लिए राइट टू एजुकेशन, टीचर है नहीं, लेक्चरर है नहीं, प्रोफेसर है नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया बेईमानो। देश के लोगों को आंखों में धूल झोंकने का और क्या हो सकता है इससे बड़ा अपराध? राइट टू एजुकेशन बना दिया, टीचर है नहीं कॉलेज में, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल नहीं कॉलेज नहीं टीचर नहीं कुछ नहीं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क बना दिया। इधर की मिट्टी उठाओ इधर डालो और 500 लोगों की हाजिरी भरो और 5 लोगों को तनख्वाह दे दो। होगा जब ये 300 लाख करोड़ रुपए आएगा तो एक गांव में जब 100 करोड़ रुपए लगेगा, बोला अपना हिंदुस्तान स्वर्ग बनेगा कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी लोग मेहनत नहीं करना चाहते, ये गलत बात है। लोगों को 99% लोगों को मेहनत करने का मौका नहीं मिलता। पढ़ने का मौका दीजिए 99% बच्चे पढ़ेंगे, काम करने का मौका दीजिए 99% लोग काम करेंगे, 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, 1% लोगों को तो हम संभाल लेंगे। घर में भी तो कोई काम नहीं करता है तो उसको बोलते हैं बेटा थोड़ा थोड़ा तो कर ले। देखो थोड़े लोग तो आलसी सदा से रहे हैं और सदा गलत लोगों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा सोचो अच्छा करो। भाई बहनों अपने देश को बहुत अच्छा बनाना है, खुद को भी बहुत अच्छा बनाना है, इस भारत को स्वर्ग भूमि बनाना है। इस देश को बहुत लूटा है बेईमान ने, इस देश को बचाना है, खुद को भी बचाना है। फिर बीमार हो गए तो थोड़ी जड़ी बूटी ले लेना। देखो ये हमारे पास गिलोई है, इसको क्या बोलते हैं, गुड़च, गुड़च चांद कुछ बदले में लेता, ये पेड़ बेचारे जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा पानी लेते हैं जमीन से, बाकी कुछ हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको जड़ी बूटियां हैं उनके पत्तों में फलों में। कितना आम है चाहे वो चीकू है चाहे वो लीची है चाहे कोई भी पेड़ है, जड़ी बूटी का